स्टार प्लस के सीरियल इश्कबाज सीरियल में अनिका और शिवाय दे रहे हैं एक दूसरे को जादू की झप्पी। वो दोनों आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आने वाले हैं, और हो भी क्यों ना, दोनों एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और इन दिनों चल रही घर में शादी की जोर शोर से तैयारी भी चल रही है, जिसके लिए बनाई गई है दो दो अलग अलग टीम। एक टीम दुल्हन जिसमें की ओमकारा और रुद्र हैं, और दूसरी टीम दूल्हे की जिसके मेंबर हैं गौरी और भव्या, और वो ले रही हैं अनिका का एग्जाम। कभी वो अनिका के चलने के अंदाज को परख रही हैं, तो कभी उनसे चाय लाने की गुजारिश करते हैं। उधर टीम दुल्हन ने भी दूल्हे राजा शिवाय की जमकर खिंचाई की है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब देखना होगा कि इनकी शादी में कोई नई मुसीबत आएगी या फिर नहीं, या फिर खुशी खुशी दोबारा से इनकी शादी हो जाएगी। ये जो इश्कबाज सीरियल है, इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको फालतू का ड्रामा देखने को नहीं मिलता है। इसमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, और आपको जो कहानी है उसको दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस सीरियल को लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं, और ये सीरियल अभी तक टॉप 10 में गिना जाता है। इसकी कहानी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और इसमें जो मेकर्स ट्विस्ट डालते हैं वो भी बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। इसीलिए कहानी अब तक चल रही है, और इसमें जो अनिका का किरदार निभा रही है वो उनको तो दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। उनके बोलने का अंदाज हो या फिर उनके कपड़े पहनने का स्टाइल हो, सब कुछ लोग कॉपी करने लगे हैं। तो हम देखेंगे इश्कबाज सीरियल में आगे क्या होता है, और जल्द ही लेके आएंगे इस पूरे सीरियल के अपकमिंग ट्विस्ट। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।